नमस्कार, स्वागत है आपका आजम भर के संग में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर के टोणी देवी क्षेत्र से सुबह से लापता 14 वर्षीय बच्ची को पुलिस ने खोज निकाला। कुछ ही घंटों में बच्ची को गसोता के पास किया गया था ट्रेस। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरना किया शुरू। प्रधानमंत्री बताएं कि कब लोगों के पास आयात किया हुआ प्याज पहुंचेगा और कब कीमतें कम होंगी, कहा महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने। ब्लू स्टार सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल हमीरपुर में एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सुजानपुर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल गौतम ने की शिरकत। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 के रिजेक्ट अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से वन टाइम रिलेक्शन देने के मुद्दे पर दूसरे दिन भी अपना धरना रखा जारी। हजारों बेरोजगार अभ्यर्थियों ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए सरकार के समक्ष रखी अपनी मांगें।